एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और अपने आज के दिन को एंजॉय करेंगे। आज है 12 सितंबर, टाइम हो चुका है लगभग 9:15-9:30 के आसपास का। मैंने शावर ले लिया है, सारे काम हो चुके हैं, क्लीनिंग डस्टिंग तीनों रूम्स की, किचन की, सब हो चुका है सारा काम। लड्डू सोया हुआ है, बस तो अभी ब्रेकफास्ट बनाते हैं फटाफट से, फिर वो खाएंगे। पूजा भी मैंने कर दी है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज है कृष्ण जन्म को, आज पूरे 6 दिन हो चुके हैं, तो आज हम कृष्ण जी की 6ठी सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने घर पर। कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने जन्मदिवस को मनाया, हम एक बाल स्वरूप में कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो आज उनकी 6ठी को भी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो कि वीडियो को देख तो लेते हैं पर उसको लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो सो गाइज, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मैंने आज फिर से वही बेसन वाला चीला बनाया, क्योंकि कल वो मुझे इतना पसंद आया, मैंने आज फिर से बना लिया। आज मैंने 2 बनाया, उसके साथ में मैंने ली है सौंफ और गुड़ वाली चाय, मतलब दूध नहीं डाला, सिर्फ पानी, सौंफ और उसमें गुड़। ये फैट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आज से मैंने ये शुरू कर दिया दोबारा से। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, बस यही मैंने अभी बनाया है। लंच आज हम कुछ और बनाने वाले हैं, कढ़ी चावल बनाने वाले हैं, क्यों बनाने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो गाइज, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, बस मैंने वो चाय अभी पीनी है, वो पी रही हूँ, वो जो मैंने बनाई थी सौंफ वाली चाय, वो पियेंगे। और लड्डू उठ गया, उसका फीड मैं अभी कराती हूँ और देखो लड्डू से आप लोगों को मिलवा देती हूँ। आज मेरा सारा काम हो गया तब लड्डू उठा, तो बहुत अच्छी चीज़ें देखो मैं आप लोगों को मिलवा देती हूँ, एक मिनट रुकिए। अभी वो खेल रहा है, अच्छे मूड में लग रहा है, तो चलो उसको फटाफट से फीड वीड करा कराते हैं, फिर उसकी वॉइस मैसेज करते हैं। तो यही अभी रहने वाला, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हे गाइस, अब हम दोनों उठ गए हैं, लड्डू और मैं बीच में सो गई थी, लड्डू की वॉइस मैसेज की थी तो ये भी सो गया था, फिर मैं भी सो गई थी। उस रूम के बाहर हमारी बालकनी के वहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का वर्क, इसलिए हम अभी हॉल में ही है। मैंने दोनों रूम के गेट बंद कर रखे ताकि आवाज़ अंदर ना आए, क्योंकि आवाज़ आती है तो लड्डू भी डर जाता है एकदम से और सो नहीं पाता, तो मैंने गेट बंद कर रखे। और इस रूम में थोड़ी सी ठंडक भी है, वहाँ रहते तो एसी चलाना पड़ता है, इसलिए हम यहीं पर हैं अभी। और अभी यानी आएंगे तो उनके लिए कुछ बनाते हैं। उसके बाद मैं ये सोच रही थी अभी क्या बनाना है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, वो सब मैं सोच रही थी। अभी लड्डू खेल रहा है, यानी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर खाना वाना उनको देते हैं, बनाते हैं कुछ क्विक सा और उसके बाद करते हैं शाम की तैयारी, यानी कृष्ण छठी की तैयारी। सो गाइस, उन्हें ला चुके हैं और उनके लिए भी मैं अभी यही वाला जो चीला है यही बना रही हूँ, साथ में लस्सी या दूध दही कुछ ले लेंगे, यही बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर हमें करनी है 6ठी की प्रिपरेशन। उसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कढ़ी चावल हलवा ये सब ड्रेसेस पहनाते हैं। वैसे तो येलो कलर की काफ़ी सारी ड्रेसेस थी, लेकिन नई ड्रेस पहनानी थी इसलिए मैंने अभी आज ही मंगवाई है, तो वो आते टाइम लेकर आए हैं। तो जैसे एक बच्चे की 6ठी होती है तो उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, सेम ऐसे ही लड्डू गोपाल को भी नए येलो कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं, तो मैंने जस्ट अभी मंगाई है। कैसी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो गाइस, टाइम हो चुका है 5:10 है, 4:50 हो चुके हैं और मैंने वापस से पूरी किचन क्लीन की है, पूरा घर साफ़ किया है और थोड़ी सी तैयारियां की है 6ठी से रिलेटेड, क्योंकि जब भी कोई पूजा होती है घर में या कोई भी शुभ काम होता है या भोग प्रसाद बनना होता है तो पूरा घर साफ़ किया जाता है, पूरी किचन क्लीन की जाती है, मैंने वही सब किया है, कुछ तैयारियाँ कर दी आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो इस बार मैंने यहाँ पे बाहर हॉल में लगाया, तो अपने पास मेरे पास एक नई चुन्नी थी तो मैंने उसी को टेबल पे लगाया, और जो जो चीज़ें पूजा के लिए मुझे चाहिए थी जैसे फल फ्रूट पंच मेवे ठाकुर जी की फल ड्रेस, जो भी आपके पास हो आप वो रख सकते हैं। ठाकुर जी की नई ड्रेस पगड़ी भी है और साथ में ही कुछ तुलसी के पत्ते और ठाकुर जी के लिए नए नज़रिए, जैसे कि हम एक छोटे बच्चों को पहनाते हैं वैसे ही। यहाँ कुछ फूल लिए हैं मैंने, ये पूजा की थाली है, यहाँ पे मैंने 5 तरह के मेवे साथ में देसी घी, यहाँ अपने लक्ष्मी गणेश को भी, और यहाँ है ठाकुर जी की चौकी। गाइज, मैंने अभी लड्डू गोपाल की कर दिया देसी घी से मालिश, थोड़ी देर में कराएंगे उन्हें स्नान, उसके बाद करते हैं आगे की शुरू। तो यहाँ पे अब होगा ठाकुर जी का स्नान, ये स्नान हमें 3-4 बार ठाकुर जी को डुबकी लगानी होती है, उसके बाद हमें तुलसी पत्ते के साथ साफ जल से इनका स्नान कराना होता है।
और लड्डू ने मिलके किया ठाकुर जी का श्रृंगार, उनको नए वस्त्र पहनाए, नए नए नजरिए पहनाए, फिर चंदन तिलक लगाया और इस तरीके से नए, फिर मैं कुछ सामान भी निकाल रही थी जैसे कपूर हुआ या माचिस वगैरह, और ये देखिए तो मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने उनकी चौकी पे उनको बिठा दिया, फिर जल, फिर सभी जो चीज़ें मैंने तुलसी पत्र रखा, साथ साथ में मैं लड्डू को भी देख रही थी, मैं और लड्डू साथ में ही कर रहे थे क्योंकि अन्नी थे नहीं तो मुझे उसे भी देखना पड़ रहा था, तो इसी तरह से मेरी चल रही थी। उसके बाद जो फूल माला थी, मैंने लक्ष्मी गणेश को भी यहीं पर स्थापित किया था, उनको फूल माला से फिर सजाया, पुष्प अर्पित किए इस तरीके से, फिर जो जो मतलब काम की चीज़ नहीं थी वो सब वहाँ से हटा दी, और देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें कभी कभी अच्छी लगती है, हमें करनी चाहिए। गाइज आपने देखा मैंने अपने लड्डू गोपाल को छठी के लिए तैयार कर दिया है, सारा भोग प्रसाद तैयार कर दिया है, कढ़ी मेरी सिर्फ रह गई है, बन रही है वो भी। ठाकुर जी को छोटे छोटे से मैंने आपने देखा नजरिए भी पहनाया, पीले कलर के वस्त्र पहनाया, फूलों से सजा दिया, सारी तैयारी कर दी है, सिर्फ अब जैसे ही कढ़ी बनेगी उससे पहले करेंगे हम लोग पूजा, पूजा के बाद लगाएंगे भोग ठाकुर जी को। और जैसे कि मैंने बताया था ठाकुर जी को छठी वाले दिन भोग में बनता है कढ़ी चावल, तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है कढ़ी, तो कैसी बनेगी, पूरी मेहनत अपनी पूरी जी जान लगा दी है, और वो प्रसाद है, प्रसाद तो अच्छा ही बनता है, तो देखते हैं कैसी बनेगी। पकौड़ियाँ मैंने अलग से भी बनाई थी और कढ़ी के लिए भी और चावल, ये आज का रहेगा। गाइज मैंने मंदिर में नहीं लगाया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा अलग सोचा, मैं जन्माष्टमी पे नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिला था, लेकिन आज अनीत था चाहे घर पे थे तो मैंने सोचा थोड़ा अलग सा करते हैं, छठी पे थोड़ा सा अच्छा करते हैं। अब ठाकुर जी के लिए काजल बनाएंगे, वो काजल भी ठाकुर जी को लगाएंगे, जैसा कि एक बच्चे के साथ छठी पे किया जाता है बिल्कुल मैंने वैसे ही किया, दूध से उन्हें स्नान कराया, जिसको छठी का दूध भी बोला जाता है, वही चीज़ सेम। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मेरी कढ़ी अभी हो रही है रेडी। यहाँ पर जैसे कि कढ़ी चावल का भोग लड्डू गोपाल की छठी पे होता है, तो वही मैंने बनाया पंचमेवे, साथ में जो जिसका जैसा सामर्थ्य होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने शुरू कर दी पूजा, सभी चीज़ों का एक एक करके भोग लगाया, पूजा मैं कर चुकी थी, धूप दीप आदि से पुष्प, फिर उसके बाद हमने ठाकुर जी को लगाया कढ़ी चावल का भोग, साथ में पकोड़े, जो फल होते हैं वो, जो भी आपके पास हो, सब लोगों का अपना अलग अलग सामर्थ्य होता है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ें। फिर मैं लड्डू को यहाँ पे देखो जय करवा रही थी और वो ध्यान से देख रहा था कि क्या हो रहा है, और देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है पूरा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। गाइज हमने कर लिया पूजा और हमने लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दिया है, अब हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और बहुत ही अच्छा रहा, मैंने पहली बार कढ़ी बनाई, देखने में तो बहुत अच्छी है, बाकी खाने में पता लगेगा कैसी है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हेलो गाइज, टाइम हो चुका है रात के 9:30 का टाइम हो चुका है, हमने खाना वाना तो बहुत जल्दी ही खा लिया था, फिर थोड़ा सा घूमने चले गए, घर आए थे तो यानी कि एक स्टाफ से कोई आई थी तो फिर वही चाय पानी किया और वो काफ़ी देर यहाँ पे रही, उसके बाद अब वो गई है, उसको नीचे तक छोड़ने गए हैं। तो ये सब रहा, खाना पीना हो गया था, अभी करते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग, उसके बाद मिलते हैं कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो कॉमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखे जाइए। सो बाय बाय।